तो हेलो गाइस, मेरा नाम है आसिफ फिंग अहमद और आप देख रहे हैं किंग्स नॉलेज यूट्यूब चैनल। सो गाइस, अक्सर हम विंडोज 10 में कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो कुछ ना कुछ तो एरर आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी एक एरर है जो हमें बिल्कुल पता ही नहीं होता इसको क्या करना है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे और इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हाँ गाइस, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैं एप्लीकेशन इंस्टॉल पर दबाऊँ तो ऐसा मुझे एरर आता है, कहता है कि द ऐप हैज़ बीन ब्लॉक्ड फॉर योर प्रोटेक्शन, एन एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ ब्लॉक आउट फ्रॉम योर रनिंग दिस ऐप, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसे कुछ आता है, मैं कुछ सैमसंग USB ड्राइवर इंस्टॉल करना चाह रहा था। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो चलिए, एक बहुत सिंपल मेथड है, जैसे आप मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले आपको क्या करना है, जैसे ही जाना है आपको यहाँ रन कमांड पर क्लिक करना है, मतलब रन सर्च करके रन कमांड ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको जाना है, टाइप करना है REGDIT, जैसे मैं स्क्रीन पर यहाँ दिखा रहा हूँ, इसको आपको टाइप करना है। टाइप करके थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, माफ़ करना गाइस, मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर कुछ काम नहीं कर रहा इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे कुछ जुगाड़ लगा के यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे आप रन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा एडिटरी, और आपको जाना है लोकल मशीन पर, जो थर्ड वाला ऑप्शन होगा आपके सिस्टम में, और फिर जाना है सॉफ्टवेयर पर, फिर जाना है माइक्रोसॉफ्ट पे, और माइक्रोसॉफ्ट में जाने के बाद आपको जाना है थोड़ा नीचे स्लाइड करके, कहाँ गया यार, गैस आपको विंडोज़ पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ मैं क्लिक कर दिया हूँ। फिर आपको जाना है करंट वर्जन पे, गैस स्टेप्स थोड़ा फॉलो कर लेना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। फिर करंट वर्जन में जाके आपको जाना है पॉलिसीज पे, पॉलिसी पे जाके आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। जैसे आपके सिस्टम पर क्लिक करेंगे आपको ये विंडो दिखाई देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो इनेबल LUA, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपको बाई डिफ़ॉल्ट वन ऑप्शन होगा, इसको आपको ज़ीरो पे रिप्लेस कर देना है। जैसे ही आपको ज़ीरो पे रिप्लेस करेंगे, मैंने कर दिया, अब ओके कर दीजिए, आपको यहाँ पे एरर मैसेज शुरू दिखाई देगा। देखिए, यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर, ऐसे। तो पूरा क्लोज करके अब हम जाएंगे रिस्टार्ट पे, रिस्टार्ट कर देते हैं, रिस्टार्ट नाउ। अगर जैसे आप कंप्यूटर रिस्टार्ट करेंगे ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिना कोई दिक्कत के। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम सारे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं इसका प्रॉब्लम दिखा दूंगा आपको। तो हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो गया है, मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ये लगा पासवर्ड। हाँ गैस, मैं अब जाके आपको दिखा देता हूँ एप्लीकेशन, वही एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, कहाँ डाउनलोड किया था यार, ये रहा। देखिए, जैसे मैं आपको डबल क्लिक करके दिखाता हूँ इधर, जैसे मैंने आपके यहाँ डबल क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि वेरीफाइंग आ रहा है, जिसका मतलब है इंस्टॉल हो जाएगा। अभी देखते हैं इंस्टॉल होगा या नहीं होगा, और नहीं तो क्या छोड़ देंगे क्या उसको। हाँ देखिए, अब सैमसंग एप्लीकेशन ड्राइवर हैज़ बीन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड योर मोबाइल, ओ तो मतलब मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा था, फिर से पूछ रहा है, ठीक है मैं ओके कर देता हूँ। तो गाइस, ये मैंने किया आपको दिखाने के लिए कि इंस्टॉल ज़रूर हो जाएगा, ऐसे फिर वो एरर नहीं आएगा आपको। हाँ देखिए, ये रहा आपको इंस्टॉलेशन विजार्ड आ रहा है, मैंने ओके नेक्स्ट किया। सो हाँ गाइस, इंस्टॉल तो हो जाएगा। आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर।